क्या नाम है आपका? मानसी। अच्छा मानसी, आपने एग्ज़ाम दिया है, कैसा रहा है आपका एग्ज़ाम? ओ, इस बार का क्या कुछ टफ रहा है ज़्यादा? अच्छा अच्छा, पूरा कर दिया है एग्ज़ाम, लगता है उम्मीद हो जाएगी। मैम क्या नाम है आपका? आप एग्ज़ाम देने के लिए आए हो, कैसा एग्ज़ाम रहा है आपका? अच्छा रहा एग्ज़ाम। अच्छा, पहले के मुकाबले जो एक कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम? पहले के मुकाबले ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ था, पहला ज़्यादा सिंपल था, तो ये थोड़ा टफ पड़ा पहले के मुकाबले। तो इस बार किसी तरह की दिक्कतें आई एग्ज़ाम में? नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छा था। आपने एग्ज़ाम दिया है मैम, कैसा रहा है? अच्छा, पहले के मुकाबले और उस बार क्या फ़र्क महसूस हुआ? बड़ा टफ लगा है, और किसी तरह की कोई दिक्कतें तो नहीं आई आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने में, घर से यहाँ तक? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस थोड़ा सा ये है कि रोडवेज वालों ने जो वो ले रखा ना कि एडमिट कार्ड सबमिट करो, उससे अच्छा तो फ्री मत करते, ये थोड़ी प्रॉब्लम रही। और उसमें बीच में मोबाइल नंबर लिखवा रहे, साइन करवा रहे, ये सब क्या था, बेकार का ड्रामा था। मैम आपका नाम? मोनिका। आपने एग्जाम दिया है, कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम तो अच्छा रहा है, लेकिन सर असुविधाएं कितनी हुई हैं, बहुत ज्यादा हुई है। इसको बारिश इतनी है, पहले बिना बारिश के अच्छे से एग्जाम हो रहा था, लेकिन आने जाने का गवर्नमेंट ने रोडवेज बस वालों को तो प्रॉफिट दिया है इस चीज का, प्राइवेट वालों को तो नहीं दिया ना। अब हम लोग तो लोकल से हैं, 30-50 रुपए दे के यहाँ तक आएंगे, हमारे साइड तो रोडवेज बसेस है ही नहीं, तो कितनी ज्यादा असुविधाएं हैं और समय की बर्बादी इतनी ज्यादा हुई है। 1-1.5 महीने पीछे हट गया पेपर, तैयारी में लगे रहो, वैकेंसी के बावजूद भी नहीं आ रही है। ये जो एग्जाम दिया है, पहले एक बार कैंसिल हो गया था, तो इस बार का कैसा रहा है ये? इस बार एग्जाम तो अच्छा था, इतना भी अच्छा नहीं था, ये टफ था, पिछली बार अच्छा था।